जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए gst.gov.in की वेबसाइट पे आपको आना होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा जिसमें एक ऑप्शन मिलता है सर्विसेज का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस है, तो यहाँ पर सबसे पहले IMA इसके ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टैक्स पेयबल ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट आपकी आती है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको पैन कार्ड में नाम दिया गया है, सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है और नीचे वाला बॉक्स में आपको एक मोबाइल नंबर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे फिलअप करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP भेजा गया है, तो मोबाइल में OTP जो भी आया है यहाँ पे डालेंगे, ईमेल वाला OTP यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक टेम्पोररी नंबर यानी कि TRN नंबर मिल जाता है, इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप फिर से रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ गए हैं। अब की बार यहाँ पर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर वाला सिलेक्ट करनी है और जो भी टेम्पोररी नंबर आपको मिला था यहाँ पर आप डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा हो डालने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे सेम OTP गया है, आप यहाँ पर OTP डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर क्रिएशन डेट भी आपको दिख रहा है और एक्सपायरी डेट भी आपको दिख रहा है, मतलब कि हमने 20 तारीख 10वां महीना 2022 को रजिस्ट्रेशन किया है और हमारा जो एक्सपायरी डेट है 4 तारीख 11वां महीना 2022 को हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन के अंदर ये जो एप्लीकेशन है कभी भी आप पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी ही इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए एक्शन के नीचे जो यहाँ पर एडिट टाइप का बटन दिख रहा है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस दिख रहा है सारे के सारे प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना है, तो यहाँ पर देखते हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा जब आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। यहाँ पर आपको ट्रेड नेम पूछा जा रहा है, यानी कि ट्रेड नेम यानी कि जिस नाम से आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो आपकी दुकान का नाम है यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो बिजनेस है किस टाइप की है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी होगा यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे जो बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप में है, यानी कि हम अपने बिजनेस का खुद अकेला मालिक है, तो हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको रीजन बताना है कि आप GST नंबर क्यों लेना चाहते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं या फिर आपकी जो पहले से प्रोप्राइटर था उनकी डेट हो चुका है इसलिए आप GST नंबर लेना चाहते हैं, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स प्लेटफार्म पर सेल की जाती है इसलिए लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर जो भी सेटेबल होता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपकी बिजनेस कब से स्टार्ट हुई है वो आपको बताना है, और सेकेंड वाला में आपकी बिजनेस का जो लाइबिलिटी है कब तक बनी है वो यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर पहले से GST नंबर आपके पास है तो यहाँ पर GST सिलेक्ट करके यहाँ पर GST नंबर डालेंगे। अगर पहले से आपके कोई भी GST नंबर नहीं है तो यहाँ पर टेम्प्रोरी ID सिलेक्ट करेंगे और जो टेम्प्रोरी ID आपको मिला है TRN नंबर उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, तो जब आपने TRN नंबर के लिए यानी कि GST के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उसको यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपकी जो बिजनेस डिटेल था वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रमोटर पार्टनर्स का डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जिनके नाम से आप GST लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स डालनी है। नाम तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से फिलअप रहेगा क्योंकि आपने पहले फिलअप कर दिया था। यहाँ पे अब आपको फादर का नाम डालना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, मोबाइल नंबर बतानी है और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी दर्ज करनी है। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, जैसे डिजाइनेशन स्टेटस यानी कि जिनके नाम से आप GST देना चाहते हैं ये बिजनेस में उनका पद क्या है, तो हम यहाँ पर खुद ऑनर हैं इसलिए हम यहाँ पर ऑनर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर
आपकी एड्रेस बतानी है, जैसे कि आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, सारे चीज यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि जिनके नाम से आप जीएसटी ले रहे हैं उनका यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, जिसकी साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक अदर इन्फॉर्मेशन में ऑप्शन मिलती है ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनके नाम से आप जीएसटी ले रहे हैं, जिनके नाम से बिजनेस है, अगर वो खुद इस बिजनेस का मालिक है, यानी कि इनकी सिग्नेचर वगैरह चलता है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे तो आपको आगे फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको किसी न किसी को ऑथराइज सिग्नेचर भी बनाना पड़ेगा। तो हमारे केस में ये खुद मालिक हैं और खुद इनकी सिग्नेचर चलेगा, तो यहाँ पर यस को ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बिजनेस और प्रमोटर वाला डिटेल्स पूरा हो चुका है। जैसे जैसे आपके स्टेप पूरा होते जाएगा, ब्लू कलर से आपको इंडिकेट करते जाएगा। अब यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी का डिटेल्स आपको डालना है, क्योंकि हम ऑथराइज सिग्नेचरी उन्हीं को बनाए हैं जिनके नाम से जीएसटी लेना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी डिटेल्स डालने की आवश्यकता नहीं है। बस हमको नीचे आनी है, ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स फिलअप है। नीचे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपने बिजनेस में किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको यस को ऊपर क्लिक करेंगे तो उनके डिटेल्स यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो हम यहां पर बनाना नहीं चाहते और ये मैंडेटरी भी नहीं है। अब यहां पर फाइनली क्या करना, सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अगले स्टेप पे चले जाना है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस जगह से आप बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह का यहाँ पर डिटेल्स आपको डालना है। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो इस मैप से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर मैन्युअली आप फिलअप कर सकते हैं, जैसे आपका पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा चीज यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी वार्ड सिलेक्ट करनी है, और इसके बाद यहाँ पर कमिश्नरेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे हम जयपुर से हैं तो जयपुर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद डिवीजन सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पर रेंज आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल आईडी तो पहले से फिलअप है, अगर फिलअप नहीं होगा तो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर आपको बतानी है कि आपकी जो बिजनेस है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वो जगह क्या आपने रेंट पे ले रखी है, या फिर आपकी खुद के है, या फिर आप लीज पे ले रखे हैं। तो जो भी यहाँ पर होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर रेंट पे ले रखा है, इसलिए रेंटेड वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खुद की होगी तो ऑन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ डालना होगा, अगर हम रेंट पर रहते हैं तो उसकी प्रूफ क्या है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, रेंट लीज एग्रीमेंट है, तो जो भी आपके पास होगा यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से चूज करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे तो आपकी बिजनेस बताना है कि आपकी बिजनेस क्या है, किस तरह के आप बिजनेस करते हैं, आपको कोई एडिशनल पहले से बिजनेस है, यानी कि एक से अधिक जगह पे आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आप ऑन करके और उस जगह को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस को भी पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर आती है एडिशनल पैलेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमारे पास बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, यानी कि हम एक ही जगह से बिजनेस करते हैं, इसलिए हमने पहले ही एडिशनल पैलेस ऑफ बिजनेस को अलाउड नहीं किया था। अब यहाँ पे गुड एंड सर्विस वाला ऑप्शन पे जाना है, इसके लिए कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के डिटेल से बताना है कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपकी बिजनेस गुड का यानी कोई मैन्युफैक्चर का होगा तो गुड्स वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको HSN कोड बतानी होगी, अगर आपको पता है तो ठीक है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आपको पता नहीं है तो आप सिंपली गूगल में जाइएगा, और जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया है HSN कोड फॉर कुर्ती, जैसे कुर्ती का काम हम करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका काम होगा यहाँ पर इस तरह से आप लिख के सर्च करेंगे तो उसका HSN कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है आपको कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोड डालने के बाद कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, एक जो लास्ट का नंबर है इसको हटाइए, हटाने के बाद
यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से जो है आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इश्यू के ऊपर आपको टच कर लेनी है, टच करेंगे तो यहाँ पर जो है से एक एचएसएन कोड आपको ऐड हो गया है। इसी तरह से आप चाहें तो 5 एचएसएन कोड को ऐड कर सकते हैं इसी तरह से सिलेक्ट करके। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम चले आए हैं यहाँ पर अगला स्टेप पे। ये स्टेप यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो फाइनली आप क्या करेंगे सेव एंड कंटिन्यू को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आधार ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि आधार वाला ऑप्शन पे आप चले आए हैं तो यहाँ पर आपको यस ही रहने देना है। अब यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, नीचे चलेंगे तो जिसके नाम से आप जीएसटी ले रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा। अब यहाँ पे चेकबॉक्स आपको देख रहा है, इश्यू के ऊपर आपको चेक कर देनी है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपको वार्निंग दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपने ईमेल या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने डाला है उस पर एक आपको लिंक भेजा जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आप टिक करेंगे। यहाँ पर आप नाम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद पैलेस में अपना सिटी का नाम यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप सबमिट बिट EVC वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। एक बार आपके नंबर पे OTP जाएगा और यहाँ पर OTP डालेंगे और वैलिडेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो ARN नंबर आपके मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार ARN नंबर प्राप्त हो जाती है इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको GST भी मिल जाती है।